हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आरएसएम विद्या आश्रम स्कूल की तरफ से है। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का मैथ्स। ओके, तो जल्दी से आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 89। हम इसके पार्ट फर्स्ट में एडिशन की एक्सरसाइज ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, द फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होती है? व्हेन एडिंग टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को एड करते हैं, वी कैन एड देम इन एनी ऑर्डर, हम उसे किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में उन्हें एड कर सकते हैं। द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम, रिजल्ट हमेशा क्या आता है? सेम आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर दे रखा है 14,325 एंड 23,417। तो जब आप 14,325 और इसको 23,417 को ऐड करते हैं, तो क्या होता है? 37,742 आते हैं। ऐसे ही जब हम 23,417 को ऊपर रख दें और 14,325 को नीचे रख दें, तब भी एडिशन करने पर यही नंबर आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टू नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में रखें, या तो इस नंबर को पहले रखें या इस नंबर को बाद में रखें, तो आपका एडिशन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वह प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होगी। ओके, द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री नंबर्स लिए जाते हैं। व्हेन थ्री और मोर नंबर्स आर एडेड, जब तीन और उससे ज्यादा नंबर्स को एड किया जाता है, देयर सम इज ऑलवेज सेम, उनका सम जो होता है वो सेम रहता है, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर, जब हम उनको ग्रुप में करके लिखते हैं। जैसे आप लेते हैं थ्री नंबर्स, 1, 2 एंड 3। ओके, पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को ऐड कर दीजिए, फिर थर्ड को ऐड कीजिए, और फिर आप 1 को छोड़ दीजिए और सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे 42,304 एंड 14,313 को ऐड किया गया, जो नंबर आया उसमें थर्ड नंबर 22,313 को ऐड किया, तो हमारा फाइनल आंसर आया 78,930। उसी तरीके से हम 14,000 जो सेकेंड नंबर है, ये 14,313 एंड 22,313 को पहले ऐड कर दें और उसके बाद में उसमें 42,304 को ऐड करें, तो नंबर आएगा 78,930, जो दोनों में क्या है? सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर को पहले या बाद में ऐड किया जाए, आंसर उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा, उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी नंबर, जब जीरो को किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है, देन द सम इज द नंबर इटसेल्फ, तो जो नंबर होता है वही रिजल्ट के तौर पर आता है। आप जीरो को किसी भी नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वापस वही नंबर आता है। देखिए, ऐड जीरो एंड 1,39,572, तो आप यहाँ क्या करेंगे? टू में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टू आएगा और बाकी सारे नंबर सीधे आ जाएंगे, तो वापस वही नंबर आ गया। या फिर जीरो में इसको, इस नंबर को ऐड कीजिए, जीरो में टू को ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आएगा, तो भी यही डिजिट वापस आ जाएंगे। यानी जीरो में किसी भी नंबर को ऐड किया जाए तो वापस वही नंबर आता है। ओके, सो इसके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज सी है जो हम करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखिए, यहां दे रखा है 41,937 एंड 14,389। अब देखिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। देखिए, ये नंबर यहाँ आ गया है, अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा ब्लैंक में?
ऑब्वियसली ये वाला आएगा 1, 4, 3, 8, 9। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहां पे ये नंबर आ गया तो नेक्स्ट ब्लैंक में ये आ जाएगा 16, 81, 39। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले फर्स्ट टू नंबर को ऐड किया गया, फिर थर्ड को ऐड किया गया। अब आप फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड और थर्ड को कर लेंगे। सेकेंड यहां और थर्ड यहां, 56, 4, 9, 2। नेक्स्ट इज थ्री नंबर्स को ऐड कर रहे हैं यहां। अब देखिए, फर्स्ट वन को छोड़ दिया और लास्ट वन को यहां लिख दिया, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा? ये वाला 41, 2, 8, 3। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट, यहां है 15, 480 और यहां है 15, 480। अब ये नंबर तो यहां प्रेजेंट है लेकिन कौन सा नहीं है? ये वाला, तो आप इसको इधर लिख देंगे। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज नंबर डी दे रखी है, एक्सरसाइज डी, इसको आपके कोर्स से कट कर दिया गया है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। ओके, तो आप आ जाइए मोर टू डू वन एंड मोर टू डू टू पे। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सम इज द सम ऑफ 5,144 एंड 23,790। आप इसका सम करके देखेंगे तो नंबर आएगा 28,862, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इन 4,134, 71,980 = 76,114। द सम इज, आप इन दोनों का सम करेंगे, अगर ये नंबर आता है तो ये करेक्ट है, और ये कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी पर। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस इन दिस एंड दिस नंबर। अब इनके 100 प्लेस, पहले आप इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करें। इनका 100 प्लेस कौन सा होगा? वन स्टैंड एंड 100 यहां है 3 एंड वन स्टैंड एंड 100 यहां है 5, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 6, 7, 8, तो यहां आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। देखिए यहां दे रखे हैं टू नंबर्स दे रखे हैं और यहां पे एक नंबर दे रखा है, तो यहां बोला गया कि इन दोनों का जो सम है इन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। अब आपको या तो ये नंबर रख रख के देखने, पहले इन दोनों का सम कर लीजिए, जो सम आएगा उसके इक्वल में उसके सम से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो नंबर बचेगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30,205। द नेक्स्ट इज, अब यहां आ रहा है इन दोनों का सम इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां एक डैश दे रखा है। अगर कैसे इक्वल होगा? हम जानते हैं जीरो को किसी में भी ऐड करो वापस वही नंबर आ जाता है, तो हम यहां लिख देंगे जीरो, जीरो ऐड करेंगे तो इन दोनों नंबर्स का सम इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। मोर टू डू सेकेंड इज, पहले फर्स्ट टू नंबर को ऐड कर लिया, जो लास्ट वन बचा यानी 840, तो यहां ये रख दिया गया जो कहां दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे ये नंबर आ गया है तो यहां कौन सा बच गया? ये वाला। ओके, राजीव हैड 2,14,392 इन बैंक अकाउंट, ही डिपॉजिट 3,15,784 मोर। उसने क्या किया? तो राजीव के बैंक में पहले से ही इतने पैसे थे, उसने इतने और जमा करा दिए, तो उनका टोटल क्या होगा? आप इन दोनों को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करके उनका टोटल कर लेंगे। द नेक्स्ट इज अ नंबर इज 23,495 मोर देन दिस नंबर। द नंबर इज, मतलब मोर देन का मतलब क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तो ज्यादा होने के लिए क्या होगा? प्लस होगा, तो इस नंबर में आप इस नंबर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अ कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर, इतने रुपए के उन्होंने ऑर्डर किए टेलीविजन सेट। सम डेज लेटर इट अगेन प्लेस्ड ऑर्डर 2,17,335। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी? जब आपको टोटल पूछा जाता है तो वहां क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए, तो आप इन दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा।
ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आप शीट में करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे। थैंक यू।